हाँ बन मन कर बेटा ये एक गाना है जो कि भी फटाफट होगा और उसके बाद में फिर काफी फिल्में हैं, ये हैं, शोज हैं, अभी तक बहुत सारे। अच्छा बिग बॉस को आप कितना मिस करते हो? बिग बॉस को मैं बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ बिग बॉस को, क्योंकि बिग बॉस के घर से बहुत कुछ सीखा हूँ और मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी रही है। पहले दिन से कैप्टन बन गया और एंड तक कैप्टन रहा। ट्विटर के थ्रू मैं ट्विटर पर लिख देता हूँ कि आज मैं गाना गा रहा हूँ, तो जनता बोलती है ठीक है यार अच्छा गा के, फिर ट्विटर पर लिख देता हूँ कि तेरा काम चश्मा दे बेटा, हाँ ये मेरे से बड़ा हीरो तो तू ही बननी है। One, two, three, four. Four. No. You can't. G. भाई अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना दो जी। बिग बॉस का सफर किस तरह से? बिग बॉस का सफर बहुत अच्छा कटा। मैं एज ए कैप्टन गया और एज ए कैप्टन जाने के बाद एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री जाने के बाद में 15 लोगों में अपनी जगह बनाना, उनके साथ में जद्दोजहद करना और फिर उसके बाद एंटरटेन करना, और एंटरटेन करते 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 उसमें मेरे साथ में कॉन्ट्रोवर्सीज का होना, बार 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 चैनल को कुछ ऐसे कंटेस्टेंट भेजना जिससे मेरा रिएक्शन निकले, उनका रिएक्शन आए, और सरवाइव करना टॉप 5 में, मेरे लिए बहुत बड़ी जंग रही, बहुत बड़ी जर्नी रही, और एंड में मैं आपके सामने एज ए चैंपियन आ गया। जी देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जो आप जैसे आप कह रहे हैं सफाई अभियान उन्होंने शुरू किया और मैंने सफाई अभियान शुरू किया बिग बॉस के घर में, तो क्योंकि करना था सारे बेडरूम में सोते थे तो उनको जगाना था, उन लोगों को उस लेवल पे लेके आना था कि देखो भैया सफाई बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में अगर सफाई नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो पूरे घर को साफ़ किया, सफाई करवाई, दिमागों को जहनों को साफ़ किया, और फाइनली सलमान सर ने कहा अली घर बहुत साफ लग रहा है, तो मेरे लिए वो जीत थी। आपको कहीं अपना शैडो नजर आया बिग बॉस के अंदर, आपके टक्कर को कोई मुकाबले का नजर आया? देखिए मैं एंटरटेन कर रहा था तो मेरे लिए कोई शैडो या टक्कर मारने तो वहाँ किसी को गया था ना खाने, लेकिन मेरा सिर्फ काम वहाँ एंटरटेन करना था, मैंने जनता को एंटरटेन किया और एंटरटेन करते करते मैं लास्ट वीक तक पहुँचा और लोगों को एंटरटेन करता करता ही बाहर आया। तो टक्कर तो मैं नहीं मानता मेरी कोई वहाँ टक्कर का था या मैं किसी की टक्कर का था, मैं अपना गेम खेलता खेलता जैसे ही बोलता था ये मेरा गेम है, मैं अपना गेम खेलता खेलता यहाँ तक पहुँचा। आपके पेशेंट ने बहुत से लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए, बहुत से लोग खुल के सामने आए जी, किस अंदाज से जी, किस पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं जी, और आप उसी फ्लो में चलते रहे जी, ये पेशेंट कहाँ से? देखिए ये पेशेंस बिग बॉस के घर में ही मैं सीखा, और वो मेरी बुराई करते गए मैं उनको एंटरटेन करता गया, मैं उनकी अच्छाई गिनाता गया, वो मेरी बुराई करते गए मैं उनको अच्छाई गिनाता गया, अब मैं उनका साथ देता गया, वो मुझे डिसलाइक करते गए, वो मुझे डिच करते गए, मैं उनका साथ देता गया, फिर एंड में खुद प्रीतम सिंह ने मुझे बोला कि यार तू सही है, तू मेरे साथ सच था, मैं गलत था, मैंने तुझे पहचानने में गलती की, तो वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि मुझे प्रीतम ने ऐसी बात बोली। डिम्पी तो मेरी दोस्त थी, वो तो हमेशा से बोलती थी, संभावना ने बोली कि दिल का साफ है, बहुत सारे लोगों ने मेरी वहाँ पे खुल के तारीफ की, तो मेरे लिए वो जीत थी। फीमेल भी थी, मेल भी थे, काफ़ी बॉलीवुड से रिलेट काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे, पुनीत सर जी जैसे प्रीतम गौतम ये सब लोग वहाँ मौजूद थे, सलमान सर जैसे होस्ट के साथ स्क्रीन शेयर करने में कैसा लगा? सलमान सर के साथ में स्क्रीन शेयर करने में मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के सुपरस्टार के साथ में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो सुपरस्टार मुझे पसंद कर रहा है और वो कह रहे हैं कि आप एंटरटेनर हो, नंबर वन एंटरटेनर हो, आप इस पूरे शो को अपने शोल्डर पे लेके यहाँ तक पहुँचे हो, तो मतलब मेरे लिए सब इतने बड़े कॉम्प्लीमेंट थे जो सलमान सर ने मुझे दिए, तो मैं इसको काबिल फ़ख्र मानता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि मैंने दिलो जान से अच्छा काम किया और जिसको जनता ने सराहा और मुझे प्यार दिया जो कि अब तक मुझे दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है सलमान सर के साथ काम करना, और इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत जल्द करने वाला। आपने बिग बॉस के घर को साफ किया और सलमान सर ने गांव को साफ किया, और जी वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को मर्ज की सलमान सर ने जी, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि सलमान सर को भी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, सलमान सर भी दिमाग और जहनों की सफाई करते हैं, मैंने भी बिग बॉस में जाके घर के साथ साथ लोगों के जहनों के दिमागों की जो काले दिल थे उन तक को साफ कर दिया। क्या एक पॉइंट ऐसा जो बिग बॉस का जो आपको बहुत पसंद आया और आपने सीखा हो? मैंने बिग बॉस के पॉइंट बिग बॉस के घर में सब्र सीखा है
कि जब वो बार बार एजाज को घर में लाते और मैं पेशेंस करता, मैं रिएक्ट ना करता, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। बिग बॉस के घर के अंदर इतिहास रचा गया है कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री चार बार कैप्टन बना जी। मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत और मेरे हार्ड वर्क की वजह से और मेरे टास्क में शिद्दत से काम करने की वजह से मैं कप्तान बना। मुझे कभी भी किसी घर वाले ने सपोर्ट नहीं किया, कभी भी किसी घर वाले ने सेफ नहीं किया, कभी भी किसी घर वाले ने मुझे बचाया नहीं है, हमेशा नॉमिनेट किया। तो मैं अपने बलबूते पे कप्तान बना और मेहनत से, अपनी शिद्दत से और अपने अपने फोकस से और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से मैं चार बार कप्तान बना और चारों बार प्रूव करके दिखाया कि आप लोगों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कप्तान बने और शिद्दत से काम करे और दिल साफ करके काम करे। हालांकि सबके सब मुकरते थे कि हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैं खुल के बोलता था हाँ ये मेरा गेम है, आओ खेलो। बड़े मुरझाए हुए चेहरों पर आप हंसी लेके आए हो और एक ऐसे एंटरटेनर आप बन के उभरे हो बिग बॉस के घर से कि जो नहीं हंसे थे वो लोग भी हंसते हुए नजर आए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ उन लोगों का कि जो कभी नहीं हंसते थे, जो हंसते हुए नजर आए। आप सेहतमंद हो जाओगे, ज़्यादा हंसा करो, और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने आप लोगों को हंसाया और इंशाल्लाह हंसाता रहूँगा क्योंकि मैं एक एंटरटेनर हूँ। मैं बिग बॉस के घर में भी हंसाया और बिग बॉस के घर के बाहर भी आप लोगों को हंसाऊंगा इंशाल्लाह। पूरे वर्ल्ड से बहुत प्यार मिला है जी, ऑडियंस आज भी हर्ट महसूस करती है, कहीं ना कहीं उनके दिल दुखे हैं कि आप विनर नहीं हुए जी, और कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि आपको जीतना चाहिए था। देखिए जिनको लगा है कि मैं विनर नहीं हुआ हूँ, सबसे पहले तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों के दिलों में मैं विनर हूँ। टॉप फाइव तक गया, मैंने मेहनत की, बाकी तो अल्लाह के हाथ में होता है, जीतना ना जिताना। दो दिन पहले ही हम सब ने डिसाइड किया था कि हम लोग सब यहाँ पर चैंपियंस हैं। हम लोग एक दिन पहले जब बैठे थे, डिनर कर रहे थे, जो जीतेगा वो विनर होगा, लेकिन हम सब ने यहाँ तक पहुँचे, हमारी मंजिल तक आया, उसके लिए हम सब ने एक एप्पल जूस का टोस्ट भी किया था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दर्शकों, प्लीज़ इस चीज़ को दिल में ना लीजिए, आखिरी दिन तक रहा हूँ, आखिरी दिन तक आप लोगों को मैंने एंटरटेन किया है, तो ये मेरे लिए जीत है, मैं विनर हूँ आप लोगों के दिलों में। तो इसकी आप फ़ख्र महसूस कीजिए, इसका फ़ख्र महसूस कीजिए कि मैं आप लोगों के लिए विनर बन के आपके दिलों में छाया हूँ और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं अपने ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। ऑन स्क्रीन आपको एक फिल्म ऑफर भी कबीर खान साहब की, सलमान सर ने खुद आपको सामने से ऑफर की जी। सलमान सर ने जो फिल्म ऑफर की है मुझे कबीर खान साहब की, इंशाल्लाह कबीर सर जो है 8 तारीख को आ रहे हैं, वो मुझसे मिलेंगे, हम बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह, बाकी देखेंगे क्या होता है। लेकिन सलमान सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कबीर सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे रोल देने की बात की। इंडियन इंडस्ट्री की पहला इतिहास होगा कि चार्ली चैपलिन स्टूडियो में जो गाना शूट हुआ वो आप पहले सिंगर हो उसमें से। जी हाँ, चार्ली चैपलिन के स्टूडियो में हमने ये गाना शूट किया सनी लियोन के साथ में, ये इश्क, सनी लियोनी, डैनियल वाइबर और अली कुली मिर्ज़ा लॉस एंजलिस में। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, जहाँ पर चार्ली चैपलिन के जूते रखे हुए थे, मैंने उनको देखा, मैंने कहा इसी शख्सियत ने ये फिल्म इंडस्ट्री शुरू की हॉलीवुड। 1910 में उन्होंने बेहतरीन फिल्में दी और वो फिल्म इंडस्ट्री के गुरु हैं, बाप हैं, उनके जहाँ पर कदम पड़े, जहाँ पर उन्होंने पहली अपनी फिल्म शुरू की, वहाँ से मैंने अपना गाने की शूट की और शुरुआत की। तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है और बहुत फख्र की बात कि सनी लियोनी के साथ और डैनियल वाइबर के साथ मैं इतना बड़ा गाना किया है। इश्क फिल्म का नाम है, कुछ कुछ लोचा है, वो आप लोग इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में देखोगे। वैलेंटाइन डे में मैं सिर्फ जो है लोगों को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो है पार्क में पकड़े ना जाएं आप लोग, डरिए मत, अगर पकड़े जाएं तो ये ना बोलें कि मेरी बहन थी, ये मेरा भाई था, साथ में पिटिए, साथ में छीतिए और साथ में एक दूसरे को फूल दीजिए, घबराइए मत। उस्ताद सुनो, बिल्कुल ना घबराएं। जनता के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे वोट दिए, मुझे सपोर्ट किया, दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फेसबुक का, ट्विटर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया, फेसबुक के जितने मेरे फैंस जिन्होंने मुझे फॉलो किया, SMS किया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, एशिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरी दुनिया को, नाइजीरिया, गुरु जी का सलाम और नमस्कार आपको। सीना, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। डिम्पी, ऑडियंस के लिए एक गाना और उनका थैंक्स। हिंदुस्तान, ये इश्क मेरा है, दीवाना ये तेरा है, तेरे प्यार में ओ जाने जा मेरे दिल को ये क्या हुआ। बहुत जल्द आप इस गाने को सुनेंगे हिंदुस्तान, और मुजफ्फरनगर मेरे शहर जिसने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरा गांव मुरादपुरा जिसने मुझे इतना प्यार दिया है, आप लोगों को सबको सलाम, हिंदुस्तान को सलाम। और मैं सभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट को यही कहना चाहूँगा कि जो बिग बॉस के अंदर हुआ,
वो एक गेम था। बिग बॉस के बाहर आप आए हैं, सबको बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा और अपने अपने फील्ड में आप लोग आगे बढ़िए, जो हुआ उसको भूल जाइए। एजाज कहीं ना कहीं आपकी बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं चैनल पे, कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे? एजाज मेरी बुराई कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो उनकी फितरत है, उनको जितनी बुराई करनी है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अभी तक शायद बिग बॉस के गेम से बाहर नहीं निकले हैं, तो मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूँगा कि एजाज आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छा आपके अंदर एक एक्टर छुपा हुआ है, आप उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि बिग बॉस से ख़त्म हुए एक हफ्ता हो चुका है और मैंने एक गाना कंप्लीट कर दिया है सनी लियोनी के साथ में, और काफ़ी फिल्मों के ऑफर आए, तो प्लीज़ इस साल तो कुछ कीजिए, बिग बॉस पे ही क्या आप डिपेंड रहेंगे, प्लीज़ कीजिए, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप फिल्में कीजिए ताकि लोग आपको पसंद करें। और जैसे आप बुराई करते हैं, बुराई ना करें, बुराई करना खीबत है। जैसे आप मुझे इस्लाम की बातें बता रहे थे, तो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह बुराई है। आप हमारे भाई हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप अपना काम करते रहिए और आगे बढ़िए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं अपनी जनता को हर तरीके से एंटरटेन करता रहूँगा। तो आप जो है प्लीज़ दूसरों के नाम पे पब्लिसिटी ना भुनाएं, कुछ करें, एक्शन करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बॉलीवुड के कुछ सुपरस्टारों ने अभी कुछ एक ऐसे प्रोग्राम में हाजिर की थी जो पूरे हिंदुस्तान ने बुरी तरह से नकारा, उन लोगों को AIIB ने AIIB जो है, मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा देश जो है वो US बन चुका है या इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इतने बड़े आप लोग स्टार्स थे, आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि हमारे बच्चे भी फ़ैन हैं, फैमिलीज़ भी फ़ैन हैं, तो थोड़ा सा आप जो है सोच समझ के इस चीज़ को करते, और जो कि अब तो कुछ हो चुका, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो प्लीज़ आगे फ्यूचर में प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, ये सब इन चीज़ों को देखती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और आगे जो है, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आगे प्लीज़ एक अच्छा मुहिम लेके आगे आइए जिससे लोगों को अच्छा मैसेज मिले। थैंक यू।